तो बच्चों आज का लेक्चर जो है हम लोग का यूनिट डिजिट से रिलेटेड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बच्चे जिनको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं मालूम है, जिनको स्टार्टिंग से अगर यूनिट डिजिट का देखना है कि स्टार्टिंग से यूनिट डिजिट के कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है, तो आज का लेक्चर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे यूनिट डिजिट का। जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको लेक्चर को देखेंगे एक एक करके। तो यूनिट डिजिट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है ये कोई नंबर है बच्चों, नंबर है। इस नंबर में जो ये प्लेस होता है, सबसे जो लास्ट डिजिट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, जो सबसे लास्ट डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट डिजिट। ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों को ध्यान देना होगा कि जो सबसे लास्ट डिजिट नंबर में जो सबसे लास्ट डिजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब सेकंड जो प्लेस पे आता है, सेकंड प्लेस पे अगर इस प्लेस पे जो नंबर आके बैठता है, ठीक है बच्चों, इस प्लेस पे जो बैठा हुआ नंबर है इसको बोलते हैं टेन प्लेस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेन प्लेस बोलते हैं। ठीक है, इस डिजिट पे जो बैठा हुआ है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हंड्रेड प्लेस बोल देते हैं। और यहाँ पे जो बैठा हुआ है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, थाउजेंड प्लेस बोल देते हैं, एक हजार। ठीक है, इसको हंड्रेड, ठीक है, इसको टेन प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना सबसे, लेकिन हमको जो काम करना है, हमको जो आज क्वेश्चन लगाना है, जिस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होता है, अगर ये समझ में आ जाए बच्चों को तो एकदम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को देते हैं। इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकाई का अंक, किसी भी नंबर के लिए जो इकाई का अंक होता है, यूनिट जो डिजिट होता है, वो हमारे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसीलिए जो है इकाई के अंक को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे इकाई के अंक पढ़ने के बाद हमारी जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, बहुत आसान हो जाता है। ये बताना क्वेश्चन की लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होगी, ये बताना बहुत जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, बेसिक पहले एग्जाम्पल फर्स्ट को लेके देखते हैं। इसमें बेसिक एग्जाम्पल क्या देखते हैं बच्चों, अगर हम 21 में अगर 38 को ऐड करते हैं, तो अगर 21 में 38 को ऐड करते हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है बताओ, 59। क्या आ रहा है बच्चों, 59 आ रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर है, क्या आ रहा है, 59। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, 59 आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट डिजिट क्या आ जा रहा है, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जा रहा है बच्चों, 9 हो जा रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है बच्चों को, जिनको बेसिक से सीखना है, ये हमारा क्या है बच्चों, 1 है, ये क्या है बच्चों, 8 है। अगर 1 8 को ऐड कर देते हैं, 1 + 8 को ऐड कर देते हैं, तब भी हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है बच्चों। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 21 35 को बच्चों ऐड किए तो क्या मिला, 46 मिल गया। क्या मिला, 46 मिल गया। लेकिन इस एक चीज और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया, 1 को ऐड कर दो, 5 को ऐड कर दो, क्या मिल गया बच्चों, 6 मिल गया। 1 को ऐड कर दो, 5 को ऐड कर दो, क्या मिल गया बच्चों, 6 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि हमारा इसी नंबर से यूनिट डिजिट, मतलब जो लास्ट यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, उसी को ऐड करके ही डायरेक्ट यूनिट डिजिट लिखा जा सकता है। पूरे नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब इस नंबर से जो देख रहे हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इससे हमको छोड़ देना है। मतलब हमारा काम सिर्फ इस पे हो रहा है, यूनिट डिजिट पे, मतलब यूनिट डिजिट को जोड़ के ही काम हो जा रहा है, 6 आ जा रहा है। पूरे नंबर को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां पे बच्चों ध्यान देना, अब इस तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कॉन्सेप्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। अब यहां मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने इसका और इसका टोटल मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 323। क्या मिला बच्चों, 323। अगर यहां पे बच्चों ध्यान से देखोगे तुम लोग जो है, यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा हम लोग को, मल्टीप्लीकेशन में 7 और 9 में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 7 × 9 बस कर दो, ठीक है, कितना मिला, 63। इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहा, 3 रहा। यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या रहा, 3 रहा। इसका मतलब पूरे नंबर को यूनिट डिजिट का अगर बताना है तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका यूनिट नंबर को ही मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसका यूनिट नंबर, उसको यूनिट डिजिट पे उसको लिख देते हैं बच्चों। देखो सेम मिल गया। यहाँ भी इसी तरह से 18 में मल्टीप्लाई किए बच्चों 26 का,
18 में मल्टीप्लाई किए 26 का, अब यहाँ देख रहे हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, हमने 1 को छोड़ दिया 2 को छोड़ दिया तब भी हमने देख रहे हैं यहाँ पे 6 और इतना किया मल्टीप्लाई, कितना मिला बच्चों 48 मिला। अब 48 का जो लास्ट नंबर होता है, जो 48 का लास्ट यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ भी क्या है बच्चों 8, मतलब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताने के लिए पूरे नंबर को मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट डिजिट को बताने के लिए पूरे यूनिट डिजिट मल्टीप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर की इसमें क्या होता है, कंसेप्ट पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट 1 में हम लोग देखेंगे इसमें यूनिट डिजिट कितने होते हैं, ठीक है, कितने नंबर होते हैं लास्ट में, जिसको डिजिट हम लोग बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इसी डिजिट्स का, इसी का यूज करके जो है लास्ट प्लेस पे इसी का यूज करके हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग को आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस नंबर का यूज करते समय बच्चों को ध्यान देना होगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगाते समय, तो इसके लास्ट नंबर को ही हम लोग देखेंगे। लास्ट नंबर का मतलब ये होता है कि इस नंबर के बारे में हम लोग सोचेंगे, इस नंबर और इस नंबर का बच्चों मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 21 मिलेगा। इसमें 21 को क्या कर जाना, भूल जाना, आगे बढ़ो 1 को लेके, फिर 1 का मल्टीप्लाई बच्चों किसमें होगा, 4 में होगा, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ये यूनिट डिजिट ही, एक ही डिजिट है, इसलिए फिर लास्ट में मल्टीप्लाई, फिर किसमें होगा 8 में होगा, फिर कितना मिलेगा बच्चों 32 मिलेगा, फिर इसमें 3 को भूल जाओगे, किसको लेके आगे बढ़ेंगे, इसको बढ़ेंगे, फिर इसमें लास्ट में मल्टीप्लीकेशन हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों 2 मिला, ठीक है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किए क्या मिला बच्चों 2 मिला, ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमको क्या मिला 2 मिला, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि हमको यूनिट डिजिट में अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है कि मल्टीप्लीकेशन में लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि लास्ट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, और लास्ट वाले मल्टीप्लाई करने के बाद अगर नंबर 2 डिजिट में चला जाता है तो दूसरे वाले से 10 प्लेस पे जो बैठा हुआ है उसको भूल जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हो बच्चों इस तरीके से लास्ट डिजिट हमको क्या मिल गया 2, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इससे देख रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं रहा, मतलब हमारा जो काम सिर्फ किससे हो रहा है, लास्ट वाले प्लेस पे जो बैठा हुआ नंबर है डिजिट से उसी से हमारा काम हो रहा है। यूनिट डिजिट का अगर आंसर देना है ऐसे क्वेश्चन का अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखो और क्या मारो, रिजल्ट मारो जो है, इसलिए लास्ट वाले नंबर पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चों 2 मिलने लगेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अब इसमें क्वेश्चन का आंसर मारना है, अगर आंसर हमको बताना है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग को लास्ट नंबर ही हमको लेना है, 2 × 1 क्या मिला बच्चों 2 × 1 क्या मिला बच्चों 2 मिला, और 2 × 8 करोगे बच्चों क्या मिला 16 मिला, 16 में बच्चों 1 को भूल जाओ, और किसको हम लोग लेके आगे चलेंगे 6 को लेके चलेंगे, 6 × 4 क्या मिलेगा बच्चों 24 मिलेगा, 24 में बच्चों 2 को भूल जाओ, किसको लेके आगे चलेंगे 4 को चलेंगे, 4 × 6 में क्या मिला बच्चों फिर 24 मिला, फिर बच्चों 2 को भूल जाओ, किसको लेके आगे चलेंगे बच्चों 4 को लेके चलेंगे, फिर 4 × 2 को मल्टीप्लाई करो क्या मिला बच्चों 8 मिला, तो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या रहेगा 8 रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, पूरे मल्टीप्लीकेशन आप कर लो लास्ट में जो है 8 ही मिलने वाला है, वो चेंज होने वाला नहीं है बच्चों, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर कितना हो बड़ा मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है, नंबर कितना हो बड़ा मल्टीप्लीकेशन में हो, लेकिन हम अपना यूनिट डिजिट का अगर ये कांसेप्ट याद रखेंगे तो बस लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, और डिजिट जब 2 डिजिट में चला जाएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे जो बैठा हुआ नंबर है वो आगे बढ़ेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना। एक लास्ट क्वेश्चन और इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक और प्रैक्टिस जो है लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन 9 मिल गया बच्चों, यहाँ क्या मिल गया 3 मिल गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना मिल गया 27 मिल गया, और 27 में 7 को आगे बढ़ाओ बच्चों 2 को भूल जाओ, 7 के आगे बढ़ाओ इधर मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 ले जाओ, क्या मिला बच्चों 7 मिला, फिर 7 को आगे ले जाओ, फिर यहाँ पे क्या मिला 8 मिला, कितना हो गया बच्चों 56 मिल गया, 56 में भी 5 को भूल जाओ, किसको ले जाते हैं आगे, इसको 6 को ले जाते हैं, 6 × 6 कितना मिला 36 मिला, और 36 में बच्चों यूनिट डिजिट क्या मिल गया 6 मिल गया। इस तरह हम लोग देखें कि लास्ट डिजिट क्या हमारा हो गया 6 हो गया, बच्चे इसको नंबर को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या रहेगा इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसको बच्चे दिमाग में रखेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि इवन डिजिट के बारे में, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर
इसमें इवेन नंबर को अलग कर देते, 5 जो है इवेन नंबर के साथ क्या कर सकता है और 8 नंबर के क्या क्या कर सकता है, ठीक है। इसमें देखोगे 5 और 0 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 लग गया, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 लग गया तो क्या कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। अगर किसी भी इवेन नंबर की बात करते हैं बच्चों, जब यहाँ पे इवेन नंबर 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर की बात करें, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ बच्चों देखो, किसी भी नंबर में इवेन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का, तो बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है बताने जा रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, चेंज नहीं होता है। क्या चीज चेंज नहीं होता है? यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। किसी भी नंबर का ध्यान से सुन लो, किसी भी नंबर का अगर किसी भी नंबर इवेन नंबर में अगर 5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या बैठता है? 0 बैठेगा। इसको दिमाग में बैठा लो। किसी भी अगर ऑड नंबर में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो फिर जो है चेंज नहीं होला, यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा बच्चों? 5 रहेगा। ये चेक कर सकते हो, यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 5। किसी भी ऑड नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। किसी भी इवेन नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करो, यूनिट नंबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। इस कंसेप्ट का यूज जो है हम कैसे क्वेश्चन में कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, जो एक बार एनआईटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय अगर हमको एक लास्ट में 5 मिल गया, अगर एक लास्ट में यूनिट डिजिट सिर्फ 2 मिल गया, उसके बाद हमारा काम बन गया। क्वेश्चन में कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में सिर्फ एक डिजिट हमको क्या मिल गया बच्चों, लास्ट का अगर यूनिट डिजिट हमको क्या मिल गया, सिर्फ अगर यूनिट डिजिट सिर्फ हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया, तो एक यूनिट डिजिट ऐसा खोजो जो कि लास्ट में क्या हो, इवेन नंबर हो। तो एक यूनिट डिजिट ऐसा खोजे क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है बताओ, इवेन नंबर हो। इतने में ही हमारा काम बन गया, पूरे नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार अगर लास्ट में 0 लग गया, अगर एक बार बच्चों लास्ट में अगर 0 आ गया तो 0 कभी पीछा छोड़ने वाला है नहीं, 0 कभी चेंज होने वाला है नहीं, 0 हमेशा यूनिट प्लेस पे जाके बैठेगा, इसलिए लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते समय सिर्फ एक 5 खोजने की जरूरत है और एक इवेन नंबर खोजने की जरूरत है, उसके बाद लास्ट में क्या बैठा है क्या नहीं बैठा है यूनिट प्लेस पे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों तो मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर देंगे। एक इवेन नंबर हमने सर्च कर लिया, एक 5 सर्च कर लिया, एक सर एक 5 यहाँ है, बस हमारा काम बन गया। क्या मिला? 10 मिल गया, और 10 का यूनिट प्लेस क्या होगा बताओ? 0 हो जाएगा। हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों, कितने आसानी से रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या मिला बच्चों? 0 मिल गया, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या मिल गया? 0 मिल गया। इस तरह से किसी भी लास्ट नंबर में देखोगे अगर 0 आ जाता है तब तो कोई काम करने की जरूरत नहीं, आगे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी मल्टीप्लीकेशन में बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है और लास्ट में अपने 0 लिया हुआ है तो आगे कैलकुलेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर क्या लगा दो? 0 लगा दो, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट जो पावर वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लास्ट जो डिजिट हमने सिर्फ लिया है, जो 9 जो 10 हमारे डिजिट्स हैं हमारे लिए जो है, उसमें से हमने लिया 0 1 5 6। 0 1 5 6 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है बच्चों यूनिट डिजिट के लिए, इसको हम लोग देखेंगे कि 0 1 और 5 6 हमारे डिजिट के लिए, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी एंट्रेंस एग्जाम में आए, ठीक है। अगर किसी भी पावर, अगर किसी भी देख रहे हैं बच्चे, अगर किसी भी ये 750 के पावर 138, इसका मतलब होता है कि 750 × 750 × 750 ये कितनी बार जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा बच्चों? 100 जितना पावर होगा उतने टाइम्स जाएगा, जितना पावर होगा उतने टाइम्स जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर किसी भी यूनिट डिजिट में, अगर किसी भी नंबर के अगर लास्ट में अगर 0 है बच्चों, अगर लास्ट में 0 है, पावर कुछ भी रहे, अगर किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 है तो उसका यूनिट डिजिट कभी चेंज होने वाला नहीं है। यूनिट डिजिट क्या लिख दोगे बच्चों? 0 लिख दोगे। यूनिट डिजिट क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। यही इसका इंपॉर्टेंस है। पावर कुछ भी रहे लेकिन अगर लास्ट में बच्चों क्या मिल जाए, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। पावर कुछ भी रहे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 0 आता है। इस तरह से आगे देखते हैं, 1 के साथ क्या होता है? 7
इसके पावर 751, इसका मतलब होता है बच्चों 751 इंटू 751 इंटू 751, ये कितने टाइम्स गया, 751 टाइम्स चला गया। मतलब 751 का मल्टीप्लीकेशन जो है कितनी बार कर सकते हैं, 751 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात है, अगर इसके लास्ट में अगर क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, तो ये यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं करेगा। अगर किसी भी यू नंबर के अगर लास्ट में अगर 1 बैठा हुआ है, पावर कुछ भी रखो, लेकिन यूनिट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। वो क्या आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है, ये ध्यान देना, वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों 6 के साथ भी हो जाएगा, किसी 126 का पावर 126, इसका मतलब होता है 126 को कितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं बच्चों, 126 टाइम किए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अगर किसी भी नंबर के अगर लास्ट में अगर 6 बैठ गया है, पावर कुछ भी रखो बच्चों, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट क्या होगा, जो यहां बैठा हुआ 6 होगा तो लास्ट में भी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन कितना हो बड़ा हो, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों किसी 635 के पावर कितना, 535, यहां पर देख रहे हैं अगर लास्ट में 5 क्या मिल गया, 5 मिल गया, तो नंबर कितना हो बड़ा मल्टीप्लीकेशन में क्यों ना हो, लेकिन क्या नहीं चेंज होने वाला है, 5 चेंज होने वाला नहीं है। यूनिट प्लेस पे जो बैठा हुआ नंबर है वो क्या मिलने वाला है बच्चों, 5 ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, किसके साथ भूलना नहीं, एग्जाम देने जा रहे हो तुम तो यहां पे क्या होना, 0 1 5 6, कभी भी यूनिट डिजिट उसका चेंज नहीं होगा। पावर कुछ भी रखो, कभी भी यूनिट डिजिट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे, अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहा, क्लियर रहा, ठीक है। अभी हमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यूनिट डिजिट का, 0 क्या कर सकता है, 1 क्या कर सकता है, 5 क्या कर सकता है, 6 क्या कर सकता है, अगर उसका एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो किसी भी 1 3 5 6, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट, इसमें बच्चों इतने का मल्टीप्लीकेशन करना है, पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट में बच्चों ध्यान देना, अगर एक भी हमको 5 मिल गया और एक जो है इवेन नंबर मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले एक इवेन नंबर मिल गया और एक क्या मिल गया बच्चों, 5 मिल गया, तो काम हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में देख रहे हैं यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 6 है, तो 6 कभी चेंज होने वाला नहीं है। किसी भी नंबर के अगर लास्ट में अगर 6 है, पावर कुछ भी हो, लेकिन 6 चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 6 आएगा। अब यहां हमको एक सर्च करना है सिर्फ 5, किसी भी लास्ट में अगर 5 है, पावर कुछ भी है, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। यहां क्या आ गया, 6, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे 6 × 5, तो क्या मिलेगा बच्चों, 30 मिलेगा, और 30 का यूनिट प्लेस क्या हो गया, 30 का बच्चों यूनिट डिजिट क्या हो गया हमको, 0। इसलिए हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया, बहुत कम समय में इसका क्वेश्चन। ऐसे ही बच्चे जो है इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किसी भी लास्ट नंबर में ऐसे में देखोगे कि एक 5 रहेगा, वो मस्ट है कि 5 रहेगा, ये एक इवन नंबर रहेगा, ठीक है। तो किसी भी हमको लास्ट में क्या मिल जाए, 5 मिल जाए बच्चों, क्योंकि ये 5 है तो ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर एक इवन नंबर भी मिल गया तो काम हो गया, तो एक इवन नंबर हमको क्या मिल गया, 4, क्या मिला बच्चों, 20, वो अब चेंज होने वाला नहीं है। यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अगर लास्ट में हमको क्या मिल गया, 6, तो अपने यूनिट प्लेस को बच्चों ये चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। एक क्या मिल गया, 5, अगर एक 5 मिल गया तो 5 के पावर कुछ भी हो बच्चों, इसके पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस चेंज होने वाला नहीं है, यूनिट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां से क्या मिला बच्चों, 5 6 × 5 क्या मिल गया, 30। यूनिट डिजिट हमको क्या मिला बच्चों, 0 मिल गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। देखो सभी आंसर में ऐसे क्वेश्चन में एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बहुत, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी भी कैलकुलेशन के लिए नहीं दिए जाते हैं। यही चेक किया जाता है कि तुमको 0 1 5 और 6 ये जो है डिजिट्स लिखे गए हैं, इसका कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट मालूम है तो तुरंत इसका क्वेश्चन जो है बहुत कम समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,